श्रोताओं, देखिए मेरी श्रोता, मेरे चैनल को देखने वाले शिव सिंह मौर्या जी डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ कला हारनपुर के रहने वाले, उनका ये प्रोग्राम पेश होने को जा रहा है मेरी पार्टी के बड़े ही मशहूर कलाकार कैलाश जौनपुरी जो जोकरी का रोल देंगे। ये कैलाश जौनपुरी आंतर के रहने वाले हैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं में और मेरे साथ बड़ा ही प्यारा काम करते हैं बनवारी भाई डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से कुंजलपुर के रहने वाले हैं मेरे भाई। ये मेरे साथ लेडीज रोल देंगे, भाई साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़े ही प्यारे साथी मेरे कलाकार राजवीर सिंह, ये ठेरा की बढ़ाइयों के रहने वाले कश्यप साहब, ये मेरे साथ लेडीज रोल देंगे, बहुत बहुत सुंदर। खूबचंद राणा साहब रसेदा की तरफ से डिस्ट्रिक्ट बनाइयों में, ये डिस्ट्रिक्ट संबल में, ये मेरे साथ मर्दाना रोल करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिला मुरादाबाद की तरफ से घोड़ा पछाड़ डांसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे हारमोनियम मास्टर साहब लोकेश यादव जी, ये बक्सर की तरफ से, और ये नक्कारे वादक उस्ताद अतर सिंह डिस्ट्रिक्ट कासगंज दतलाना के रहने वाले चक्रवर्ती हरिपाल यादव जी डिस्ट्रिक्ट बनाइयों गांव सकतपुर की तरफ से, ये बड़े ही प्रेमी मेरे सभी साथी कलाकार हैं। ढोला स्टार्ट करने जा रहा हूं, बोल शंकर भगवान की। शिव शिवान दाता तुई है विपत विराट अनहार, लर्चा मोरी राखियो स्वामी परदा के असवार, है तुई होगा तुई मेरे तीन लोक सरताज, और नैया पड़ी मजधार में सुप्रभु क्या कर ठोकर मार, तेरी सरता के बिना है प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं और खिले न कोई फूल, होनी तो होकर रहे अनहोनी न होए, बिदना के अंकुर को वही में दिसके न कोई, जो बिदना ने लिख दई छठी रात के अंक, राही बड़े न तिल घटे और रहिए जीव निसंक, साई सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब तक पैसा गांठ में और तब तक ताको यार, यार संगई संग डोले जब पैसा रहे ना पास, मित्र मुख से ना बोले, कहर की तर कबरा यार को जई लेखा, बिन मतलब का यार यार बिरलाई देखा, अलिम से अल्लाह को जाना बेसे बिस्मिल्लाह को, तेसे तेरा है सहारा जहान बैतुल्ला को, मुल्ला को रहता अपनी ईमान का खटका, आस को रहता अपनी मासू का खटका, चोर को रहता पुलिस कप्तान का खटका, मल्ला को रहता सला तूफान का खटका, नजारे सितारे नहीं रह जाए और सुम कहता है कहीं घर पे मेहमान ना आ जाए, ए जी हो और तो रोटी ना खा जाए। ये जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बना डिस्ट्रिक्ट संबल में बड़ावली पप्पू यादव जी के घर पर 13वीं में प्रोग्राम हो रहा है, मेरे देखने वाले श्रोता ये प्रोग्राम देखोगे तो बड़ावली के नाम से निकलेगा। जय मेरे शंकर भोला, सभी समाज जुड़ मिल के बताओ का को करूं शुरू अब, सभी सभा गुणवान है, सभी सभा गुणवान है, मैं मूर्ख अज्ञान थोड़ी सी चर्चा करूं सो मेरी सुनो लगा के ध्यान। जो अब तक मैंने प्रोग्राम दिया है ललकी ओखा का और मेरे उस्ताद मुंशी लाल ने, वो रायनल जब कोड़ी हो जाता है वहां से आगे का दिया है। मैं शुरू की कहानी सुनाने जा रहा हूं तुम्हारे लिए। राजा ललकी ओखा इंद्र से रायनल का बैर इंद्रवाद, प्रोग्राम का नाम है इंद्रवाद, ये प्रोग्राम आपके लिए दर्शाने के लिए जा रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भीम भीम की बेटी मां को नाम तुम्हें ती बेटी, दिल में उठ रहे हो चाव, हंस सगाई रचन गए बाको इंद्रपुरी में प्यार, लौट हंस वापिस आए चलकर गोलाधार बरसाए, पहे जनावर जात परन में दबकाए,
जब चूहा की छोटी सर्दी चूहा भयो भी धरती हंसन के परचे से काट दिए कपड़ा कुरी काटे हंस महाराज उस बियावर जंगल में रोधन मचाते हैं नरवर का नरेश और उन्हें नरवर को ले गया दिल में उठयो चाओ भीम सिंह में राजा नल ने कियो तुम्हें ती के सक में जय धरवा तड़ाई राजा नल ने जीती मर्दोबा अंजुमगढ़ की लड़ाई जिस वक्त अंजुमगढ़ की लड़ाई जीत करके राजा नल और नरवर में आता है और रानी तुम्हेती महलों के अंदर सोलहवीं सिंगार बनाती है पति से पहले दिन मिलने के लिए जिसे लोग पूनम की रात सुहाग रात कहते हैं और राजा नल मिलने के लिए अपनी पत्नी से महलों में जाता है यहां से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट है सोले सिंगार बनाए थे मल्टीनी पत को करे इंतजार अरे या जो मिलूंगी बाल नरवरिया से अरे करता नरवर के दरम्यान रे मेरी इच्छा पूरण नरवर में आज होएगी अरे सिंह जगदीशपुर के रहने वाले ये 100वीं का पुरस्कार दे रहे हैं श्रीमान जी को बहुत बहुत धन्यवाद भैया कपटी कोटला नीच कुल कोई चाहे सदारे और किया सज्जन पुरस रे क्षमा तरसावे ओछे करे रे फेरे ओते पाप अरे रगना पंश में अग्नि उली चे सब अपराध न के काम अरे जो तू मान रे मान कुर खाए गो नरे तू सामर सोरे भले जाए और गांव रोरा दीप के रहने वाले किशन पाल सिंह यादव जी ये 20 रुपए दे रहे मेरी पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नल पोचो रानी के पास तारी खुशी मनावे महल में और नारे करे रही ये सोले सिंगारे से जल गा रही वो तो नरवरिया की मेरे सोवं सोवे बेटी भी मर जाती अरे इस मोजे मेलन में करेगी वो तो नारे ए पैर
डरिया श्रोताओं, मैंने आपको समझा दिया है। चैनल पर सुनने वाले मेरे ढोला के प्रेमियों और मेरे ढोला को देखने वाले हो, ढोला का गायकार बड़ा हो या छोटा, जब तक बात समझ में नहीं आए तो उसका गाना बेकार। राजनल शादी करके दुमहती के साथ नरवर में लाया है और पहले ही दिन दुमहती से मिलने महलों में जा रहा है। यहां से आगे की कथा सुना रहा हूं, जिसे विख्यात किया जाता है रायनल की ओखा के नाम से। इंद्रवाद शुरू होता है और इसी प्रोग्राम में दुमहती का दूसरा स्वयंवर भी आएगा। दुमहती कितनी सुंदर थी, लंबे केस उमर जकबारी, लंबे केस उमर जकबारी, चोली के वर्ण चढ़ा चढ़ टूटे, ज्वानी के मन तुम्हें छाए रही, देखे सूरत पिया प्यारे की, छे छे लपेट खटिए खाए रही। आ पिया को भइए सोवे से गंगा साम लो घर ना आए, खुश रहो रानी साहब। कहिए महाराज। देखिए इन बच्चों को बैठा लो, इतनी व्यवस्था नहीं बना पा रहे हो, कैमरे के आसपास बच्चे खड़े नहीं हो, बैठ जाओ। रानी साहब, हमने तुम्हारे लिए बिहाने में बड़ा कष्ट झेला है और बड़े दुख का सामना किया है, तब तुम्हारे साथ हमारी शादी हुई है। अरे मोहरे मालिक सर नर बरसे, बाद नंबर गई रे मोती नीना, तारे भवरिया ना आयो जन्मा से वे, अरे तब तक मैया गवाए गई प्राण, मैंने बड़े ले कष्ट झेले तेरी शादी में, तुलहने तब परिया तुम्हें तीना रे, अरे बा दिवस खेल में और देखिए आज हमारी इच्छा पूरी होगी। अरे घुमटा खोले दिखावो सैया को, संग बेलू टूरी माज बहारे, इच्छा पूर्ण होएगी नरबरिया की, अरे सुन मेरी अंग शरीर नार। हेलो हेलो हेलो, इसके बाद खोलो यार। अज्ञान टारो पिया जग दुनिया में, सेवा खूब करूंगी भरता, अरे तू मेरी
मेरी पतवेर ताहे त्रिया नार मैं तो बाट देख रही पिया क्यारी मेलन में ये सैया कब आवंगे बल में भरे तारे पिया मेरे नरवरी बार रानी साहब ये महाराज आप पहले हमें घूमट खोल के दिखाएंगे जब ई घुंघटा खोलो अरे बानारे ते मलती रे भैया कोना पायो अरे सोरग में सोनो संग लूटे गो मौज वहार इंद्र देवता सोनो अब घबराए के भैया करता से करे सोनो बात अरे बात लोग में और ये सत्यवीर से जगुपुर के रहने वाले और पाटेपुर की बढ़ियों के रहने वाले सत्यवीर से ये दोनों साहबान मिलकर के 100 रुपये हमारी पार्टी के लिए नाम देते हैं। पार्टी हजूर के धन्यवाद देती है। आज मैं ये कौंदा किस तरह का देख रहा हूं, बारिश करूं मैं गरजू मैं। हेलो, ये सत्यवीर जगदीशपुर के रहने वाले और पाटेपुर की मढ़ियों के जगपाल जी, ये दोनों साहबान मिलकर के 50-50 रुपये पार्टी के नाम देते हैं। पार्टी हाजिर को धन्यवाद देती है। आज ये कौंदा अचानक कैसा हुआ ये मुझे भयभीत हो रहा है। हवा चलाऊं मैं चलाऊं, बिजली चमकाऊं मैं चमकाऊं, ये दूसरा वाहन कौन पैदा हो गया, इस तरह का कौंदा हुआ। मैं इसका कौंदे का भेदभाव जरूर लूंगा। क्यों, मैं तो उसी भयभीत बैठा हूं कि मेरी इंद्र से मेरी उस राजा नल से तकरार हो चुकी है। न मालूम वही तो कोई चक्कर नहीं है, मैं ऋषि नारद जी को बुलाता हूं। देव ऋषि नारद जी, मैं ऋषि राज को प्रणाम करता हूं। खुश रहो, मेरे लिए आप एक दुख का निवारण है। मैंने आपको यूं याद किया है। बोलिए किस लिए याद किया है? 33 करोड़ देवता आप रूप भगवान चंदा सूर्य मेरे सभी यहाँ बैठे हैं समाज के अंदर। मैं इंद्रपुरी के बीच आज कौंदा हुआ है अचानक मेरी पुरी के बीच। ये कैसा कौंदा हुआ है? बाहर आज तुम भूल गए। बिजली चमकाऊं मैं, हवा चलाऊं मैं, ये बताइए कौंदा किसने किया? तो तुम भूले बैठे सब बात, हमें तो बहुत याद रहती है। नारायण नारायण। तीनों लोग की परमार्थ में खबर लेने वाले हो, मेरे लिए ये मेरा संदेह मिटाइए। क्या बात है, शादी करने गए थे? हाँ, मैं भीम सिकल गया। गए? हाँ। तुम्हारे मुंह पे थूक दो, तुम्हारे मुंह पे थूक के तुम्हें चीर के तुम्हें पिटके और मालक किनके गले में डारी? वह राजा नल के में। नारायण नारायण। आज राजा नल और रानी दुमेती स्वागत होए शरत तुम्हारी मंजूर अरे जा भरी सभा में। और ये रोरा के रहने वाले काली चरण
और बिरसी डॉक्टर साहब ये 10-10 रुपये हमारी पाली के लिए दूध पीने के लिए नाम देते हैं। और खूब चंद्राला साहब एक बात बताऊं, कहिए, ये पप्पू यादव जी के घर मेरा प्रोग्राम हो रहा है। खाए खाए पूरी साब सूख गई जाए रे भैया को मोए नहीं दिखे रे प्योहारे, अरे आज अजमायलू भैया पप्पू भैया को कितनो मड़ा बली में प्योहार। भगवान ने फैसला किया 12 पैर बहुत होते हैं, बड़े घड़ी का इंतजार। और ये पप्पू भैया आज के प्रोग्राम के मालिक साहब और उनके साडू सतवीर जगदीशपुर के रहने वाले, ये 100 रुपए दे रहे हैं। साडू साडुन की सोनो पर नहीं है आए कमती कोई काऊ से नाए, आप जा सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, तुम्हारी 12 घड़ी की मुझे मंजूर है। आप सोच ले, अभी सोच ले राजी से, मैं जब आपके खिलाफ पे नरवर पे तुम्हारे शहर पे जब बारिश करूंगा तरह तरह की आवाज होगी जब रानी को दे हुए। ठीक है आप जाइए, मैं अपनी मेघमाला हूँ। तुम्हें अपनी बारिश पे घमंड है और मुझे 499 फुट ऊंचो किला है, ऐसे घमंड में चढ़ने में जाऊंगा। पर जाबा में भैया लियो तब गाए कछु नए बिगड़े देवता सिर नरवर में, अरे नलनी बारिश करी स्वीकार आयो नलवा सिर नरवर में, और तुम्हें तीसे रयो पतलाए। नारद जी ने अपनी माया से राजा नल को वही गढ़ के साथ में और नरवर में पहुंचा दिया। इंद्र अपनी मेघमालाओं को गंधर्वों को दसों दिग्पाल को उन 49 भवनों को दसों दिग्गजों को। हाँ भैया जीतपाल कहाँ जा रहे हो? अरे जीतपाल भैया कहाँ जा रहे हो? अरे बैठो यार मंच पे बैठ जाओ, तुम यार हमारे उस्ताद के मित्र हो। मेघमालो हमारे हुक्म की तामील करो। महाराज प्रणाम। स्वीकार करो, स्वीकार है, हम जो आदेश दे रहे हैं उस बात को सुने। क्या? तुम नरभर पे इतनो जल बरसाए देव नरभर को खोज तो मिटा दे। बार है तो घड़ी में सात समुद्र आली चल के तैयार करवाए। देखिए मेरे से प्यारे श्रोताओं, पैसे से ज्यादा मैं सम्मान का भूखा रहता हूं। पैसा जो तुम मुझे दोगे खर्च हो जाएगा और जो सम्मान मिलेगा वो कभी खर्च नहीं होगा। तुम दूर दूर से मेरा प्रोग्राम देखने आए हो, अभी दिन में हो रहा है और पूरी रात प्रोग्राम चलेगा, रात को भी होगा प्रोग्राम, पूरी रात सवेरे 4 बजे तक प्रोग्राम होना है इस जगह पे। मेरे बुजुर्ग अपने बच्चे के लिए यदि अच्छा लगा हो तो एक बार सभी लोग हाथ खड़ा करके मुझे आशीर्वाद देंगे। जोग जोग जीवो भैया तुम दुनिया में प्यारो नाम रे अमर है। और क्या शादी खुशी के अवसर पर मेरा प्रोग्राम बुलाना हो तो मेरा नंबर नेट पे भी है, और जो कोई भाई मेरा कार्ड ले जाना चाहे
तो मैं अपना कार्ड भी देता हूँ। भाई साहब से पूछ लेना, पप्पू से मेरी पार्टी के लिए कहीं भागना नहीं पड़ता है, फोन करने पर पार्टी घर पर उपस्थित होती है। मेघमालाओ कहिए, नद नदियां सात समुद्र जितना भी जल है हाँ। वह घर पर बरसा दो, जितने जीव है सभी त्राह त्राह करने लगे, राजा नर राजी से राजी, खुराजी देने को रानी को आ जाएगा, यह हमारे हुक्म की तालीम करें आप प्यारे सबरी जावे नर भर दरम्यान घोर के बरसा करे शेर नर भर पे चिंता मन में करियो अरे नाई मेरी आज्ञा का पालन करें। लेकिन एक बात बताओ महाराज, जब तक दूध गाय को काटने वाला दूध नहीं दू पाए जब तक सींगों पे होके पानी चला जाए, कितनी देर की शर्त है? कुल 12 घड़ी है महाराज। 12 घड़ी की चलती कहा है क्या हमारा? अच्छा 6 घड़ी में पानी शेर नर भर पे बारिश को ले जिले गोनाए बेटो महाराज तुम इंद्रपुरी आशीर्वाद है मेरा। सबरी इकट्ठी भई है मेघमल हार आगे बढ़ गई अरे शेर नर भर पे अरे मेघमल हार हेलो हर साहब, ये 20 रुपए सौदान सिंह आथर वाले, ये 20 रुपए सौदान सिंह, ये ढोला पार्टी के लिए देते, पार्टी बहुत बहुत शुक्रिया देती है। अरे मेघ मलारो, हाँ जी महाराज ने हमारे तुम्हारे लिए हुक्म दिया है, क्या दिया है? कि सिर्फ शेर नरवर पे ही बारिश होनी चाहिए, खेत जंगल में नहीं होनी चाहिए, नरवर नरवर पे ही हो, ठीक है? बरसना शुरू करो, चलो 1 2 3 गोला धारे बरसो अरे शेर नर भर पे बारिश कहूं कहूं मेहरा कहूं कहूं मेरी द्वार कर नर भर के बीच में जल बरसे गोला बारिश है रही रे शेर नर भर पे और अबे नर भर में गोला धार बारिश मेघ मल्हार करे और नर भर में हाहाकार कबहू पुरवाई को अरे कबहू पछियाए को घूम घूम बारिश अरे रही है हो बारिश है रही अरे शेर नर भर में ए मेरे भैया है रही बारिश नर भर के दरम्यान आज वा राजा नल किला पे खूब बरसो हे भगवान तुम्हें तो सोचने लगी कि मेरे पति सो रहे हैं इन्हें कोई बात की मालूम नहीं है और पूरी नरवर की प्रजा तरह तरह कर रही है पानी की कोई सुनवार नहीं है। अब मेरे जागे बलम पानी आयो पिया सोने खादर में मेरे हट के अकीले भरतार जनता बांध लई रे चादर में मेरे पलमा पता परी जोर की भरतार
पिया जा सरनरी पर मेरे अब मेरे जागो बदम भर तारे अरे नार जगावे पिया प्यारे को सामरिया प्यारी जगावे पिया तानारे बदम जा सर नरी बदम और ये 50 रुपए सत्यवीर जगदीशपुर के रहने वाले सैया उठो बलम भर तारे तेरा के सब जनता रवावे और ये 50 रुपए राजेश मणियों के रहने वाले ये दोनों सामान ये 50-50 100 रुपए का पुरस्कार हमारे ढोलक पार्टी को देते हैं अरे रानी क्या हुआ क्यों रो रही हो हले अरे ये क्या हुआ मैं शरत बांध के आया था सुंदर देव से और आके मैं सो गया मेरे नरवर की प्रजा मर जाएगी तो मैं राज किस पे करूंगा मेरे प्यारे श्रोताओं जब तक राजा नल की आंख खुली तब तक पानी इतना आ चुका कि किसान गाय को दूरा था और गाय के सिंह के ऊपर होके पानी जा रहा था परजा मर जाए मेरे धाम नर भर की बोल ना देवो कोई राजा नलकू तो भैया नल रे कयो घबराए ध्यान धरो बा मुरली बारे को और अब ईश्वर को नाम मेरी लाज बचावो मुरली बारे मेरे करता पर जा मरी जाएगी आज अरे जा सुनो नर पर लौट की जइयो पिया देवलोक को और ये रोरा दीप के रहने वाले मक्खन सिंह ये 100 रुपए दे रहे हैं ये हमारे जो मालिक साहब इनको जमीन मिली है रोरा दीप की और उन्होंने जमीन दी है उनकी 13वीं में ये जे सब मेहमा भैया मक्खन सिंह की पुरवा के दरस रे दिए करवाए अरे जुग जुग जियो भैया तुम दुनिया में और यहाँ कहीं इसी के बीच ये आज के प्रोग्राम के मालिक साहब आवाज सुन रहे हो तो कोई साबान उन्हें याद कर रहे हैं स्टेज के पास और ये पप्पू यही करने वाले आज के प्रोग्राम के मालिक साहब और सत्यवीर